और स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। अब नहीं तो कब ट्रायल लॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, तो वेदर है बहुत ज़्यादा मेहरबान, टाइम हो रहा है 12 बजे, टेम्परेचर है 12 डिग्री सेल्सियस। और मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि यहाँ पर टेम्परेचर 1-2 डिग्री नहीं गिरता है, गिरेगा ना एक ही बार में, वो भी इस टाइम पर नवम्बर 5-10 डिग्री गिरता है। कल था इसी टाइम पर टेम्परेचर 21 डिग्रीज, आज है 12, 9 डिग्रीज गिरा है। फिलहाल हाथ का बंदोबस्त करना बहुत ज़रूरी है, वरना फ्रीज आउट होना बहुत आसान है। हल्की हल्की बारिश हो रही है अलमाती में, और 3-4 दिन यहाँ रहना है और बिताना है अगर ठीक से, तो ख़रीदना पड़ेगा ग्लव्स। बस नंबर 48 या 99 लेकर के हमें पहुँचना है डेकाथलॉन। डेकाथलॉन में मैं पहले गया था 3-4 दिन पहले, रेट देख करके मेरा हुआ हालत ख़राब। मैंने बोला कि मैं नहीं चला लूँगा, ऐसे ही चला लूँगा, लेकिन नहीं भैया, ऐसे नहीं चलेगा। तो चलिए ख़रीदते हैं, अपन आज ग्लव्स, और उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बस तो पहले आ जाए। सुबह उठा था तो लग रहा था कि बारिश हो रहा है, लेकिन नहीं, बारिश नहीं हो रहा है भैया। बताया था मुझे कुछ इंडियन लोगों ने, बताया था कि यहाँ पे वेदर ऐसे ही होता है। चलिए इंतज़ार करते हैं बस का, 48 या 99, और पकड़ते हैं और पहुँचते हैं डेकाथलॉन। आपको पता ही होगा 150 टेंगे देने पड़ते हैं। आ रही है अपनी बस, नहीं ये नहीं है बस अपनी, अपने को पकड़ना है 48 और 99। कुछ भी बोलो भैया, गर्मी में ही प्रॉब्लम है, ठंडा में ही प्रॉब्लम है। गर्मी में कपड़े पहन नहीं सकते, ठंडे में कपड़े ज़्यादा पहनना पड़ता है। इस ठंड से अगर मेरा हालत ख़राब है तो आगे जो मैं ट्रैवल करने वाला हूँ उसमें क्या होगा, मैं ये सोच रहा हूँ। उतना भी ठंडा नहीं है, सहने लायक है। फिलहाल ठंडा थोड़ा कम हो रहा है, और जैसे टाइम आगे बढ़ते जाएगा ना वो ठंडा कम होगा। बट फिर भी यार रिस्क लेना सही नहीं है, क्योंकि जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन में 3-4 दिन के बाद जाने वाला हूँ ना, वहाँ पे मुझे डेकाथलॉन मिलेगा नहीं। तो बेटर होगा पहले ही ले लेना चाहिए था भाई। यार सही बता रहा हूँ ना, तो पहले मैंने ये सोचा था कि धूप तो हो ही रहा है, तो क्या ज़रूरत है, रात को तो मैं वीडियो को ही बनाता हूँ नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि आगे ले लेंगे या फिर बाद में ले लेंगे, लेकिन नहीं, काम तो बना नहीं अपना। चलिए, यहाँ मैं ऑलरेडी आया हूँ तो मुझे मालूम है कि आखिर जाना कहाँ है। ऊपर है डेकाथलॉन, यहाँ है हमारा ग्लव्स। रेट देखिए, 4000 टेंगा, 7000 टेंगा, 3500 टेंगा, और तो सॉरी वो किसी और चीज़ का है, ग्लव्स की रेट। मैं ये लेने वाला हूँ 3500 टेंगा का भाई, बस बच्चा का ना निकले। पता नहीं कितने लोगों ने इस ग्लव्स के अंदर हाथ घुसाया होगा। मुझे भी घुसाना पड़ रहा है। 4100 टेंगा का है, समथिंग अराउंड $10, $10 का वाट लग गया। मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, कहाँ है बिलिंग का, ये भगवान बिलिंग ऑफ काउंटर किधर है यहाँ पे। हाँ, अब जान में जाना है भाई, याद रखिएगा डेकाथलॉन अगर आप जा रहे हो इंटरनेशनल में, अब इंडिया का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इंटरनेशनल में मैं क्लियरली बता सकूँगा आपको, कैश लेके मत जाना, कार्ड पेमेंट ही अलाउड है डेकाथलॉन में। मैंने फिर भी खरीदा, उन्होंने बताया कि आपको हम मदद ज़रूर कर देंगे, लेकिन अगर रिफ़ंड का ज़रूरत होगा तो आप रिफ़ंड नहीं ले सकते हो। मैंने बोला रिफ़ंड क्यों लेना है, मतलब कुछ भी वजह हो सकता है, मतलब सही बात है। फिर वहाँ से डेकाथलॉन में एक वर्कर आई लड़की, उसने मेरे हाथ में हाथ रखा। मैंने बोला ये क्या हुआ, तो फिर उसके हाथ में चेंज था, 5000 टेंगे का नोट मेरे पास था, उसको मालूम था कि मुझे देना है 900 टेंगे,
तो उसने पैसे ला करके मेरे हाथ में रखा। मैं सोच रहा हूँ ये हाथ क्यों रख रही है बाबा, नोट था उस समय को पता नहीं चला। बड़ा गरम गरम लगा तो अच्छा लगा। फिर ध्यान से समझ में आया कि हाँ भाई ये नोट दे रही है पैसे। फिर 5000 का टेंगा ला के दिया। मैंने उनको स्पसीबा बोला, उन्होंने बोला नो प्रॉब्लम, यहाँ इंग्लिश निकला इनका, चलिए ठीक है, अच्छी बात है इन्होंने मुझे हेल्प किया। अब दूसरी बात पे आते हैं भैया, एक बात याद रखो, जब तक पेट सही नहीं है ना तब तक कुछ सही नहीं है, है ना। जिस होटल में मैं ठहरा हूँ, हॉस्टल अलमाती, मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे ख़राब हॉस्टल है। कल जब मैं रात में वापस अपने हॉस्टल गया, खाना बना के आराम से खाऊंगा, इंडियन खाना खाऊंगा, तो उन्होंने बोला कि हाँ गवर्नमेंट से हमारे पास परमिशन नहीं है खाना बनवाने के लिए, गैस का नहीं। मतलब ये क्या बेहुदा रीज़न दे रहे हो यार, सीधा बोलो तुम फैसिलिटी नहीं देना चाहती हो। तो बोल रही नहीं 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 हमारे पास फैसिलिटी है, देखिए हमारे पास गैस ही पड़ा है, यूटेंसिल्स एक भी नहीं था। मैंने वहाँ पे बहुत सारे रशियंस से उनको पूछा, तो उन्होंने बोला कि ये लोग नाटक करते हैं ऐसे ही अपना पैसा बचाने के लिए। हमारे यहाँ आने के बाद हॉस्टल का प्राइस इन्होंने ट्रिपल कर दिया है। जिस हॉस्टल में मैं ठहरा हूँ ना, 10 बेड का हॉस्टल है, 10 बेड का हॉस्टल का प्राइस 10 बेड का हॉस्टल का प्राइस जो है यहाँ पे वो 500 रुपीज़ है, 450-500 रुपीज़ है। मैंने दिया है 1500। उसके पहले जो मैं हॉस्टल में था उसका प्राइस है 350, मैंने दिया है 950। डबल मैं पे ही कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप आ रहे हो कजाकिस्तान, कोई चीज़ फ्री नहीं होता, इतना याद रखना। 14 दिन का नाम पे ना 14 दिन का वीज़ा फ्री मिल रहा है, बाकी कुछ फ्री नहीं है। फ्लाइट भी एक्सपेंसिव है, खाना भी यहाँ बहुत एक्सपेंसिव है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ, देखिए कहाँ तक होगा। हाँ तो मैं बात कर रहा था कि जब तक पेट अच्छा नहीं है ना इंसान का, वो आदमी कुछ कर नहीं सकता है। तो इसलिए मैंने एक इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पे ढूंढा है, लेकिन मेरे पास एक बहुत बड़ा दिक्कत सामने खड़ा हो चुका है कि कैश जो है वो मेरे पास ज़्यादा कैश बचा नहीं है अभी। अब अंदर जाऊंगा, वहां जाकर के देखूंगा कि क्या हालचाल है, क्या प्राइस रेंज है, क्या मैं खा सकता हूं, खा पाऊंगा कि भी नहीं खा पाऊंगा, ये भी देखना है मुझे। सही में इंडियन रेस्टोरेंट है या फिर नाम का है वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब यूक्रेन गया था ना, वहां पे लास्ट सेवन डेज़ मैं इंडियन खाना खा रहा था। हर दिन 1000 रुपये खर्च कर रहा था मैं, हर दिन खाने पर सिर्फ 1500। लेकिन वो इंडियन रेस्टोरेंट नहीं था, वो बांग्लादेश भाई का था, उन्होंने वो इंडियन रेस्टोरेंट नाम डाल के रखा था। वैसा कुछ यहाँ ना हो बस। चलिए आगे है, डेकाथलॉन से 1 किलोमीटर, नहीं नहीं 1 किलोमीटर ज़्यादा बोल दिया मैंने, 750 मीटर पे एक रेस्टोरेंट है। टोटली यहाँ पे मैंने देखा है 3 इंडियन रेस्टोरेंट है, सारे नाम मैं आपको बताऊँगा, लेकिन पहले वहाँ पहुँच जाता हूँ। खुला है कि नहीं खुला ये पता नहीं है मेरे को। डेकाथलॉन से ऑलमोस्ट हाँ वॉकेबल डिस्टेंस है ये। अली डोनर तंदूरी इंडियन रेस्टोरेंट, लाइट तो बड़ा अच्छा लगा के रखा है, अब रेट क्या होगा वो तो देखना पड़ेगा, और पैसे का बहुत बड़ा तंगा है भाई। हेलो, इंटीरियर बड़ा जबरदस्त है इसका। हाँ लग रहा है इंडियन है ये। बाबरा, एक हफ्ते के बाद लग रहा है इंडियन रेस्टोरेंट आया हूँ मैं। चलिए देखते हैं मेन्यू में क्या है, पहले ग्लव्स निकालता हूँ मेन्यू में क्या है, फिर मैं आपको बताता हूँ।
वन चिकन बिरयानी। इंडियन कपड़ा पहना है, सलवार सूट, देख के बड़ा अच्छा लगा। यार ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया, मैंने जो ऑर्डर दिया वो 4,500 रुपये का है, मेरे पास तो सिर्फ इसका 2 ही नोट बचा है। आपको पता होगा कि मैं वॉलेट लेके नहीं निकल रहा हूँ ईरान से, जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ वॉलेट घर पे छोड़ के आ रहा हूँ, इसलिए मेरे पास डेबिट कार्ड भी नहीं है, सब कैश ही था मेरे पास। मैंने ऑर्डर तो दे दिया लेकिन मेरे पास तो पैसे उतने हैं नहीं, कहीं प्रॉब्लम में ना फंस जाऊँ। बट एक अच्छा चीज़ है कि मैं इंडियन रेस्टोरेंट में आया, यही अगर ईरान होता 500 कम होते तो छोड़ देते वो लोग, लेकिन अब ये लोग क्या करेंगे भगवान जाने, ऑर्डर तो दे दिया है मैंने। फंसे तो नहीं है। हाँ अभी मैं गया यहाँ पे मैनेजर भाई से मिलने के लिए, इंडिया उत्तराखंड के हैं वो, उनको बताया मैंने अपना प्रॉब्लम, उन्होंने बोला अरे कोई बात नहीं यार टेंशन मतलब आराम से बैठो, और वो मुझे एक मसाला चाय पिला रहे हैं, मसाला चाय का यहाँ प्राइस है 2,800 तेंगा, जो कि भाई $6-7 का प्राइस है, वो मुझे बोल रहे हैं कि तुम बैठो यार आराम से, टेंशन बिल्कुल मत लो, अपना ही समझो सब कुछ। मतलब यार मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं सोच रहा था कि यार कुछ बोल देंगे क्या, ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा नहीं करना चाहिए, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन इन्होंने बड़े प्यार से बोला फ़ोटो भी ले लो, मैंने पूछा मैं फ़ोटो ले सकता हूँ थंबनेल के लिए, उन्होंने बोला हाँ फोटो ले सकते हो थंबनेल की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये होना चाहिए, अगर आप कोई कंट्री जा रहे हो इंडिया से बाहर और लैंग्वेज नहीं जानते, मैं उनको बोला खुल करके यहाँ लैंग्वेज नहीं जानता हूँ, किसी को बात करने को नहीं हो रहा है, आपसे बात करके अच्छा लगा, उन्होंने बोला मुझे भी, ये होता है भाई, सर्विस हॉस्पिटैलिटी इसे बोलते हैं। इसलिए मैं कोई भी कंट्री जाता हूँ ना तो कोशिश करता हूँ एक इंडियन से मिल ही लूँ, और नसीब अच्छा रहता है कोई ना कोई मिल ही जाता है। धीरे इसलिए बात कर रहा हूँ कि भाई रेस्टोरेंट है जो हॉस्पिटैलिटी ये लोग दिखाते हैं हमें भी वो रिटर्न करना चाहिए। और देखिए भाई घर से आप बाहर निकल रहे हो तो ATM लेके निकलो, वो चाहे आप कुछ अंदर वाले पॉकेट में छुपा के लेके चलो लेकिन लेके चलो, वरना प्रॉब्लम हो सकता है। अब जरा देखते हैं क्या ये हैदराबाद की बिरयानी को टक्कर दे सकता है। देखिए एक बात तो बड़ा क्लियरली मुझे मालूम चलता है, जहाँ भी घूमने जा रहा हूँ ना मैं, हैदराबाद की बिरयानी को वर्ल्ड में कोई भी बिरयानी टक्कर नहीं दे सकता, लेकिन हाँ अगर इंडियन खाना का एहसास हो जाए तो मोर देन इनफ है। बहुत अच्छा, मैं बिरयानी को टक्कर तो नहीं दे रहा लेकिन अच्छा है, खाने लायक है। क्या है ना हैदराबाद में जो बिरयानी मिलेगा आपको वो उसमें एक सिंगल पीस होगा लेग पीस का, और मसाला प्लस वाइट राइस होगा, इसमें क्या है पुलाव टाइप का बनाया गया, लेकिन अच्छा है खाना। इंडिया के बाहर अगर आपको इतना इंडियन खाना मिल रहा है ना, बहुत है भाई बहुत है। मैनेजर साहब ने एक मसाला चाय भिजवाया है, बहुत बहुत थैंक यू उनको।
चाय पीते हैं, खाना बहुत अच्छा था विदाउट अ डाउट, चाय पीते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, कुछ बात करनी है आपसे ज़रूरी। मतलब अच्छा खासा बातचीत चला इनके साथ, उत्तराखंड के भाई थे, बहुत कुछ बताया मुझे यहाँ के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में, लोग कैसे हैं। खाना उनका बहुत अच्छा था, उन्होंने बोला कि यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम तो हो तो नहीं रहा है ना तुमको, होगा तो ज़रूर बताना। यहाँ की जो वेटर्स थी उन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल लिया, हम आपका वीडियो ज़रूर देखेंगे, बोला अच्छा लगा सुन करके, होमली सा फील हुआ। और यू नो जब भी मैं कंट्री से बाहर आता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि मैं एक इंडियन से ज़रूर मिलूँ। वो अपनापन जो होता है ना, आप 20 दिन 25 दिन ट्रैवल कर रहे हो, वो अपनापन अगर आपको देखने को मिले तो इससे ज़्यादा और बाहर में क्या चाहिए आपको। मेरा यहाँ का पर्सनली 5 डेज़ का एक्सपीरियंस अभी तक तो अच्छा ही रहा है, कोई प्रॉब्लम रहा नहीं। उन्होंने भी मुझसे ही पूछा, मैंने भी बताया सही है, कोई प्रॉब्लम चल नहीं रहा है यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं। हाँ मैं कुछ बताना भूल रहा था भैया आपको मैं कुछ बताना भूल रहा था जी। एग्जैक्टली ये जो इंडियन रेस्टोरेंट का खाना अगर आप खाना चाहते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो प्राइस आप इंडिया में दे रहे हो, यहाँ से डबल पे करना पड़ेगा आपको। इंडिया में जो पे कर रहे हो यहाँ पे या फिर कोई भी कंट्रीज़ में ज़्यादातर डबल पे करना पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि आपको 200-300 रुपये या 400 रुपये में इंडियन खाना मिल जाएगा, वो होगा नहीं। तो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर आइएगा। यहाँ पे 3 से 4 रेस्टोरेंट है, मैं डिस्क्रिप्शन में सबके नाम दे दूँगा, वो कितने दूर हैं ये भी मैं कोशिश करूँगा देने का अगर ऑफकोर्स मैप में मिला तो। चलिए आप और मैं मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सबको हिंदुस्तानी खाना और हिंदुस्तानी लोगों से वाकिफ़ करा करके मुझे बहुत अच्छा लगा। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो, अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। वेदर बहुत बड़ा अच्छा हो रहा है यार, हालत ख़राब हो चुका है यहाँ पर, टेम्परेचर कंटिन्यूसली गिरते जा रहा है अलमाती में। अब यहाँ से हर कंट्री का टेम्परेचर गिरेगा।